फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी रचनात्मक सोच और बहुआयामी प्रतिभा से विशेष पहचान बनाई और सराहे भी गए। लेख उन गिने चुने फनकारों में से एक थे जिन्हें फिल्म से जुड़े कई पहलुओं की अच्छी जानकारी थी। लेख टंडन का जन्म 13 फरवरी 1929 को लाहौर में हुआ था। लेख जी के पिता फकीर चंद टंडन और बेहतरीन कलाकार पृथ्वीराज कपूर अच्छे मित्र थे। अपने पिता के साथ लेख कपूर खानदान के करीब आ गए। पृथ्वीराज कपूर ने अपने दोस्त के बेटे लेखराज और छोटे बेटे योगराज की नाटकों में दिलचस्पी देख अपने पास मुंबई बुला लिया। ये 1948 की बात है। तमाम कोशिशों के बाद लेख को राज कपूर के निर्देशन में बन रही फिल्म आग में काम मिला। फिल्मी दुनिया में लेख के सफर की शुरुआत बेहद रोचक रही। लेख जी को मैं किन शब्दों में याद करूं? उनकी पहली फिल्म प्रोफेसर, जिससे उन्होंने शम्मी कपूर जी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उसके बाद लगातार प्रोफेसर के बाद प्रिंस, कश्मीर की कली, बे इंतहा फिल्में उन्होंने हमारे को दी, और हमें उनके तौर पर एक ऐसा निर्देशक मिला जिसने नई चीज़ों को अडेप्ट करने में, नई चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये भी तब जबकि 60 का ज़माना था। इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन और इतनी अच्छी फिल्में लेख जी ने हमें दी, वो हमेशा हमारी स्मृतियों में याद रहेंगे। राज कपूर के साथ लंबा समय बिताने के बाद लेख कुछ सीखने की चाह लिए नया तलाशने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात नीलकमल और बावरे नैन जैसे मशहूर फिल्मों के निर्देशक केदार शर्मा से हुई। वो केदार के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर जुड़ गए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। मैंने आज जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो किया है, उसमें लेख जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेख जी से पहली मेरी मुलाकात दूरदर्शन में हुई थी 1987-88 में, जब वो दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहे थे, फिर वही तलाश, इसकी डायरेक्शन उन्होंने किया था। मैं उस सीरियल के लिए दूरदर्शन की तरफ से प्रोडक्शन असिस्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ इतना काम करने के बाद सीखा कि कुछ ही महीनों में उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, तो मैं डायरेक्शन में भी असिस्ट करने लगा। और इतना कुछ उनसे उस दौरान सीखने को मिला कि हर चीज़ में हमारे उनकी एक नॉलेज, उनका जो एक विस्तृत जो जानकारी थी, सिनेमाटोग्राफर वो एक बहुत अच्छे थे, कैमरा वर्क बहुत अच्छा करते थे, कॉस्ट्यूम में उनका बहुत अच्छा था दखल था, म्यूजिक, हर चीज़ में उनकी नॉलेज, तो उनसे बहुत कुछ उस वक्त सीखने को मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लेख का लिखने का सफर रोज एक रुपए पाने की चाह के कारण शुरू हुआ। केदार शर्मा के साथ काम करने वाली गीता के कहने पर लेख लिखने की ओर प्रेरित हुए और उसके बाद उनकी काबिलियत को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। मुझे वो दिन याद है जब वो नेरुल में एक मार्केट डीवाई पाटिल के सामने वो मुझे अचानक से मिले, और मैं जब उन्हें पहचान करके उनसे बात की और वो इतने खुले दिल से मुझे अपने बारे में सारी चीज़ें, वो पुरानी चीज़ें, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, और मैं बहुत इच्छुक था कि कैसे मैं उनके बारे में जानूं, जितनी चीज़ें सुनी थी, और मेरी इच्छा थी कि काश मैं कभी उनके साथ काम कर पाऊँ, एज एन एक्टर ना सही, कम से कम उनकी जो टिप्स हैं, उनकी जो लर्निंग थी, जो कैसे उन्होंने अपनी चीज़ों में, अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से अपनी सारी फिल्मों को उन्होंने, चाहे एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर, बट मोर देन एज एन एक्टर और डायरेक्टर, मैं उनकी पर्सनालिटी के लिए ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मुझे जो उनसे लर्निंग मिली, एज एन एक्टर मैं अपने आप को ग्रो किया, और एज ए टीचर उन्होंने कई टिप्स मुझे दी कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इंटरेक्ट विद एक्टर्स। 1953 में राज कपूर के निर्देशन में बन रही फिल्म आह के जरिए लेख दोबारा काम पर लौट आए। तनख्वाह कम थी लेकिन इरादे बुलंद। सन 1962 में लेख स्वतंत्र रूप से निर्देशक बन गए। ये फिल्म थी प्रोफेसर, जिसके निर्माता थे एफसी मेहरा। लेख ने फिल्म में शम्मी कपूर को नायक लिया और कल्पना को नायिका। उनकी ये पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। आपने शायद मुझे तो ना पहचाना होगा। मुझसे बात करो, क्या चाहते हो तुम? जी, बरसों बाद
आज भी ये फिल्म एक कालजयी फिल्म के रूप में जानी जाती है। इसी फिल्म से लेख को अबरार अलवी जैसे शानदार पटकथा लेखक का साथ मिला और उन्हीं के कारण लेख की लेखनी पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। लेख जी ने कोई भी प्रयोग करने से अपने आप को पीछे नहीं खींचा। शमी कपूर जी के साथ उनका जो रॉक स्टाइल है, याहू मैन की जो उनकी छवि है, उन्होंने खुले दिल से उसको अपनाया। खुले दिल से अपना करके लेख जी हमेशा शमी कपूर जी को स्थापित करने वाले ऐसे निर्देशक रहे हैं जिसकी वजह से शमी कपूर अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। और लेख जी ना केवल सिनेमा में बल्कि दूरदर्शन के लिए उन्होंने अच्छे खासे सीरियल किए, फिर वही तलाश जो हम लोग के आने के बाद भी ऐसा चर्चित सीरियल हुआ जिसको लोग आज भी याद करते हैं, तो वो ना केवल बड़े पर्दे पर बल्कि एक छोटे पर्दे पर भी उतनी ही कार्य कुशलता के साथ काम किया करते थे। तो ये बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। तो लेख जी के अलावा मुझे लगता है कि ऐसा काम बहुत विरले ही कर पाएंगे। देखते ही देखते लेख की गिनती अच्छे निर्देशकों में होने लगी। लेख ने उस दौर के मशहूर सितारों को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया था। ६६ में लेख टंडन ने सुनील दत्त और वैजंती माला को लेकर आम्रपाली का निर्देशन किया। हालांकि आम्रपाली को बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार सफलता नहीं मिली, लेकिन अपनी बहुत सी खासियत के कारण ३९वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से इस फिल्म को चुना गया। मैं उनके साथ बहुत अरसे तक जुड़ा रहा, वो मेरे लिए एक फादर फिगर थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका मैं एक बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को देता हूँ। लेख सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उन्होंने झुक गया आसमां, प्रिंस और जहां प्यार मिले जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें ज्यादातर फिल्में सफल रहीं। इसके बाद लेख राष्ट्रीय प्रोडक्शन से जुड़ गए। राष्ट्रीय के साथ ने लेख को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। साल 1977 में आई फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के लिए लेख को सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म की लोकप्रियता सातवें आसमान पर थी और हर कोई इसे सिनेमा हॉल में देखना चाहता था। लेख के निर्देशन में बनने वाली कुछ खास फिल्मों में एक बार कहो, शारदा, खुदा कसम, दूसरी दुल्हन, उत्तरायण, दो राहें दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुईं। बाद में बदलते दौर में उन्होंने फिल्मों से किनारा करके सीरियल की दुनिया का रुख कर लिया और दिल्ली में रहकर सन 80 के दशक के आखिर में दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल बनाए। रेवती शरण शर्मा की लिखी फिर वही तलाश के जरिए लेख छोटे पर्दे पर भी छा गए। फिर हमने एक सीरियल साथ किया था, दूसरा केवल, जिसमें शाहरुख खान को पहली बार हमने वहाँ डायरेक्ट किया था और करीब 3-4 साल हमने एक साथ मिलकर काम किया 1992 तक, जिसमें उनके साथ मैंने बहुत से सीरियल किए, फीचर फिल्म की, और उसके बाद भी मैं उनके साथ बहुत अरसे तक जुड़ा रहा। आज के जमाने के सुपरस्टार शाहरुख खान को पहला ब्रेक देने का श्रेय भी लेख को ही जाता है। लेख के निर्देशन में दूरदर्शन के धारावाहिक से युवा शाहरुख अभिनय करते नजर आए। उम्र बढ़ने के साथ लेख का हुनर अभिनय में भी देखने को मिला। जिस किंग खान को उन्होंने ब्रेक दिया था उन्हीं के साथ वो कुछ फिल्मों में अभिनय करते भी नजर आए। 100% की बात करूंगा, सोचता हूँ मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा राहुल। अरे नहीं दादाजी, ये लो, मैं भी जाने की बात करने लगा। लंबी बीमारी के बाद 15 अक्टूबर 2017 को लेख का निधन मुंबई के उपनगर पवई में उनके घर पर हुआ। उनसे जुड़े लोगों के लिए आज भी वो रियल हीरो हैं। मुझे आज भी वो चीजें याद है जब उनकी आंखों में वो चमक थी, जब वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे अपने बारे में कि मैं किस तरह से चीजों को परस्यू करता, किस तरह से ऑब्जर्व करता हूँ कैरेक्टर को, एग्जीक्यूशन में क्या किन किन चीजों का ख्याल रखता हूँ, वो सारी चीजें, वो निरूल सारे स्पेस मुझे बार बार दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि काश
अगर मैं उनके साथ कुछ पल और रह जाता। आज के दौर के युवाओं के लिए लेख का संपूर्ण जीवन किसी संस्थान से कम नहीं है। उन्होंने बतौर एक्टर और डायरेक्टर अनेकों फिल्मों में काम किया। लेख टंडन जी बड़ी हस्ती रहे हैं, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। मशहूर लेखक और निर्देशक लेख टंडन भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए वो हम सब के बीच हमेशा बने रहेंगे। दूरदर्शन परिवार की ओर से लेख टंडन को शत शत नमन।